नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं करीमा श्रीवास्तव आपके साथ। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। आरसीबी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सानिया ने जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेला था। मिर्जा ने कहा, मैं टीम के खिलाड़ियों की प्रेशर से जुड़ी समस्याओं में मदद करूंगी। आरसीबी ने सानिया का इंटरव्यू भी शेयर किया है। पोस्ट में आरसीबी ने लिखा, महिलाओं के लिए भारतीय खेलों में एक युवा आइकन जिसने अपने पूरे करियर में बोल्ड और बाधाओं को खेला है। आरसीबी महिला क्रिकेट टीम की मेंटर के रूप में सानिया मिर्जा का स्वागत करते हुए हमें गर्व हो रहा है। सानिया मिर्जा पर और उनके बाहर भी एक चैंपियन है। सानिया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैं उत्साहित थी। मैं 20 साल से प्रोफेशनल एथलीट हूँ। मेरा अगला काम युवा महिलाओं और युवा लड़कियों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करना है कि स्पोर्ट्स उनके लिए करियर के पहले ऑप्शंस में से एक हो सकता है। सानिया बताती हैं, टेनिस और क्रिकेट में बहुत समानताएं हैं। जब बात प्रेशर की आती है, तब हर एथलीट एक जैसा सोचता है। सभी एथलीट एक ही तरह के प्रेशर से गुजरते हैं। दबाव की स्थितियों को संभालना बहुत जरूरी है। बड़े चैंपियन भी प्रेशर से जूझते होंगे। मेरा काम यही होगा। मैं टीम के खिलाड़ियों के प्रेशर से जुड़ी समस्याओं में मदद करूंगी। 13 फरवरी को हुई WPL नीलामी में RCB ने स्मृति मंधाना को सबसे ज्यादा यानी कि 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा। इस टीम में मंधाना के अलावा सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, रेणुका सिंह और ऋचा घोष जैसे बड़े नाम शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स ने अभी तक अपने पूरे कोचिंग स्टाफ की घोषणा नहीं की है। अब तक VR वनिता भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और RCB मेंस टीम की चीफ स्काउट मैनेजर रंगराजन और उनके सहयोगी स्टाफ में है। माइक हैसन टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होंगे। RCB विमेंस WPL के शुरुआत टूर्नामेंट के दूसरे दिन 5 मार्च को बेबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ करेंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।